नमस्कार नमस्कार सर। सर, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज विश्व हृदय दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आज एक बहुत बड़ा कैंप आयोजित कर रहे हैं। इस कैंप में हम हृदय से संबंधित कुछ जांच मुफ्त में करा रहे हैं, प्लस हमारे जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह मुफ्त में दी जा रही है मरीजों को, जिसका लाभ आसपास के क्षेत्रवासियों को मिलेगा। वो आएंगे, अपनी हृदय की जाँच कराएंगे और निःशुल्क परामर्श लेंगे, तो अपने हृदय का ध्यान रख पाएंगे। सर, कल हम लोगों ने हृदय जागरूकता के लिए, हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, वॉकाथॉन की थी, जो कि लगभग लगभग 10 से 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में की गई थी झांसी के अंदर, और अधिकतर लोगों को जागरूक किया था हृदय से होने वाली बीमारियों और उनके बचाव और उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में। साथ ही हम लोगों ने ये बताया लोगों को कि क्या अच्छी सुविधाएं हमारा अस्पताल दे रहा है, ताकि उनके पास एक ऑप्शन बना रहे हमेशा की, अगर अच्छी व्यवस्थाएं उनको विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं चाहिए तो वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, यथार्थ एक विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा देने में समर्थ है और बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बेहतरीन विकल्प है एक अच्छी इलाज के लिए। हमने मेडिकल गेट नंबर 3 से स्टार्ट करी थी रैली, जो कि झांसी फोर्ट तक गई थी रैली, जो कि लगभग एक 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस बीच में हम लोगों ने इस रैली के दौरान जो भी लोग हमें मिले और जिन लोगों से भी इंटरेक्शन हुआ, उन लोगों को हमने समझाया हृदय के रोगों के बारे, हृदय रोगों के बारे में और उनके बेहतर इलाज और रोकथाम के बारे में, और साथ ही साथ लोगों को आमंत्रित किया कि वो आज हमारे कैंप में आए और इस शिविर का, जो निःशुल्क शिविर हम लोग आज लगा रहे हैं विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में, उसका लाभ उठाएं। सर, हमारे ऑफर्स चलते रहते हैं, अभी हम कुछ ऑफर्स निकालेंगे, हेल्थ पैकेजेस निकालेंगे। जो ऑलरेडी हमारा एक हेल्थ पैकेज जो हमने कार्डियक डे पर निकाला था, जिसमें 50% ऑफ दिया गया है हर्ट के पैकेजेस पर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे पैकेज को नवरात्रि पे भी और दशहरा पे भी। और साथ ही हमने जो एंजियोग्राफी का पैकेज निकाला है, जिसमें हम मात्र 5,000 रुपये में एंजियोग्राफी कर रहे हैं, जो कि बुंदेलखंड में 12 से 15 हज़ार रुपये में होती है बाकी अस्पतालों में, लेकिन हमारे यहाँ पर मात्र 5,000 में की जा रही है, उसको भी हम दिवाली और दशहरे और नवरात्रि में उसको कंटिन्यू करेंगे टिल 31 दिसंबर 2024 तक। मैं यही बोलूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास ECHS के एक्स एयरफोर्स, एक्स आर्मी पर्सन और कुछ रेलवे के लोग हमारे पास आए हुए हैं आज इस कैंप का लाभ उठाने के लिए, और वो हमारे बीच हमारे ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, जहां पर वो उनके साथ हमारे जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वो एक वार्ता करेंगे और उसके बाद उनका चेकअप किया जाएगा। साथ ही मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी देशवासी हैं या हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, हृदय का खास तौर से ध्यान रखें, और यही बोलूंगा कि चाह रहे मेरा दिल। नमस्कार सर। यथार्थ जो तेगेला पे है, आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है, उसमें उसके उपलक्ष्य में सभी बुंदेलखंड वासियों के एक यथार्थ की तरफ से मुफ्त हृदय शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम रखा गया है, जिसमें कई जो हृदय रोग के जांचें होती हैं, ECG, BP, ब्लड टेस्ट और BMI, जो कि एक हृदय रोगियों के लिए बहुत ही एक अच्छा महत्वपूर्ण इलाज होता है इनिशियली, वो कर रहे हैं हम रेगुलरली। सुबह 9 बजे से यहाँ पे लोग जो मरीज हैं अपने प्रिकॉशंस के लिए और जो पहले भी फॉलोअप करते वो आ चुके हैं। अभी करीब 12 बज रहे हैं, 12 बजे हमारे कम से कम 500 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की कॉपी है उसमें 513 की एंट्री हो चुकी है और कई लगातार लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हमारे इस कैंप में हमारे बुंदेलखंड के साथी और जितने भी लोग परेशान थे हृदय के रोग से, वो अपना लाभ उठा रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल फॉरनर्स भी आके इसका लाभ उठा चुके हैं और बराबर मतलब काफ़ी उनको कम्युनिट कर लोगों ने भी कर दिया है कि यथार्थ में अच्छा एक शिविर और आयोजित किया जा रहा है, तो शायद शाम तक और भी कई सारे आ जाएंगे, और अपेक्षा है कि 500 अभी हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली 1,000 के आप साथ पहुंच जाएं हमारे कैंप हो जाएंगे। जी तो कौन कौन सी सुविधाएं आज मरीजों को मिल रही है, इसमें जांच हो रही है या उनको दवाई वगैरह सर, वो आते हैं इनिशियली, वो फर्स्ट हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो जाता है जो कि निःशुल्क है, उसके बाद उनका जो डॉक्टर से परामर्श होता है, डॉक्टर परामर्श में उनकी जैसे किसी चीज़ की जरूरत है, ECG, इको, एंजियोग्राफी, जिस चीज़ की जरूरत होती है उसमें हम 50% डिस्काउंट देते हैं, बट ECG हमारे कैंप में इंक्लूड है, वो आफ्टर ऑफ कॉस्ट है। बाकी BMI, हार्ट का चेकअप जो होता है, पल्स, BP, BMI, ये सब निःशुल्क है, वो चल रहा है। और 31 दिसंबर तक, अभी 2024 को तक हमारा एंजियोग्राफी जो है 5,000 में ऑफर चल रहा है, जिसका लाभ हमेशा कोई ना कोई पेशेंट अपने प्रिकॉशनली या किसी को तकलीफ है वो एंजियोग्राफी करवा सकते हैं यथार्थ में।
सर, ये सौगात की शुरुआत हो चुकी है 31 दिसंबर तक हृदय के बारे में। बाकी वर्ल्ड अर्थराइटिस डे होगा, न्यूरो का डे होगा, वो लगातार कैंप उस के अनुसार किया जाएगा और बुंदेलखंड वासियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। यथार्थ जो है डेफिनेटली एक सेवा भाव के साथ खुला है यहाँ ओरछा टिकेला में। हमारा मेन परस्पर यही है और निरंतर कोशिश रही रहती है कि बुंदेलखंड के जितने भी वासी हैं हम पे विश्वास रखें और यथार्थ उनके विश्वास को जीतने में कायम रहेगा। किसी भी प्रकार के चीज़ों की तकलीफ हो, किसी भी प्रकार के रोग समाधान के लिए यथार्थ सक्षम है, हम उन्हें हमेशा विश्वास दिलाएंगे, ये उनका अपना यथार्थ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समस्त जनता को यथार्थ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस दिवाली के अवसर और नवरात्र के अवसर पर। हम कामना करते हैं कि वो अपने हृदय को, अपने समस्त शरीर के अंगों को स्वस्थ रखें, स्वस्थ मस्तिष्क में रहें, स्वस्थ हड्डियों का मतलब रखें, सब कुछ अपने परिवार को स्वस्थ रखें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है, महसूस होती है, यथार्थ को याद करें, वो हमेशा आप लोगों के साथ है। 24/7 हमारी एम्बुलेंस सेवा जारी रहती है, कभी भी कॉल कर सकते हैं आप 8800550086 84 पर। हम आपके साथ हैं हमेशा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, किसी भी चीज़ की परेशानी ना लें, यथार्थ आपके साथ है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राहुल रंजन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो हृदय संबंधित बीमारियों का इलाज करता हूँ और उसके बारे में जानकारी देता हूँ। आज विश्व हृदय दिवस है, इसके उपलक्ष्य में मैं निःशुल्क सेवाएँ दे रहा हूँ और हमारा हॉस्पिटल है वो भी निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि आजकल हृदय की बीमारियाँ बहुत ही कॉमन हो गए हैं, चाहे वो यंग जनरेशन हो या ओल्ड जनरेशन हो, ये हर जगह हम हार्ट के मरीजों को देख सकते हैं। आज का हमारा मोटो यही है कि हम कैसे इसको रोकथाम कर सकें, यंग जनरेशन को कैसे बचाव कर सकें कि उनको हृदय संबंधित बीमारियाँ ना हो, और ओल्ड जनरेशन को कैसे बचाव कर सकें। तो मेन मकसद हमारा है कि रोकथाम करना, उसके बाद तो जो बीमारियां होते हैं हम इलाज करते ही हैं बेहतर से बेहतर, रोकथाम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए रोकथाम करने के लिए हमको सबसे पहले प्रॉपर स्लीप होना चाहिए कि हम सही समय पर सोएं, डाइट हमारी एडिक्वेट होनी चाहिए कि जो जो भी लाभकारी डाइट है वो हम लें जिसके कारण हमें कोई नुकसान ना हो, जो ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसको कम मात्रा में लें, और घी तेल मसाला ये सब चीज़ें कम खाएं। डाइट के अलावा हमको नियमित व्यायाम करना ज़रूरी है, जो निर्धारित समय होता है कितने समय तक हमको करना चाहिए, हफ्ते में इतने दिन करना चाहिए, वो रेगुलर रूप से हमको करना है। इसके अलावा मानसिक संतुलन हमको बना के रखना है, कि आजकल सभी लोग स्ट्रेस से काफ़ी पीड़ित हैं कि उनको चिंता रहता है और चिंता इतना हावी हो जाता है कि वो शरीर पर असर पड़ने लगता है, जिसके वजह से हमारा इरेगुलर डाइट है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, और हम एक्सरसाइज नहीं करते। और यंग जनरेशन के लिए मैं खासतौर पे बोलना चाहूँगा कि वो स्मोकिंग और अल्कोहल को परहेज करें। आजकल के ज़्यादातर युवाएं स्मोकिंग और अल्कोहल रेगुलर लेते रहते हैं, जिसके वजह से जो बीमारियाँ उनको नहीं होनी चाहिए, यंग जनरेशन में ही हृदय की बीमारियाँ उनको होने लगी हैं। तो जैसे कि आज विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है जिसके चलते आज एक कैंप का आयोजन किया गया है, तो इस कैंप के माध्यम से कौन कौन सी सुविधाएं मरीजों को मिलने वाली है? इस कैंप में सबसे पहले मैं जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनका निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। निःशुल्क सेवाओं में कुछ स्वास्थ्य परीक्षण भी हैं, ECG भी हैं, और भी हार्ट से रिलेटेड जो भी जाँचें हैं उसमें भारी मात्रा में छूट दी जा रही है। और इसके रोकथाम करने के लिए कैसे हम हृदय की बीमारी को रोकथाम कर सकें और उनके परिजनों को भी हम निर्देश दे रहे हैं कि क्या करना है, उनको खान पान कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करने हैं, और स्ट्रेस से कैसे बचें, प्रॉपर स्लीप कैसे लें, इन सब के बारे में भी पूरी सेवाएं और जानकारी दी जा रही है। ये कैंप लगभग सुबह कितने बजे से चालू हो चुका है? ये सुबह 9 बजे से शुरू हुआ है और शाम को 5 बजे तक ये कैंप चलेगा। देखिए, मरीजों के आने की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, मरीज अभी आ ही रहे हैं, अब तक हम लोगों ने 500 मरीजों को देख चुके हैं। 500 मरीज देख चुके हैं, हमारे पूरी कार्डियक टीम यहाँ पे उपलब्ध है और सभी लोग ही पेशेंट को देख रहे हैं, और अभी सारे मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। आज के इस कैंप और स्पेशली जो हृदय दिवस है,
इसको लेके मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको हृदय से संबंधित बीमारियों और उनके लक्षण के बारे में जागरूक रहना है। आजकल क्या होता है कि जो भी हृदय संबंधित डॉक्टर हैं उनके पास पेशेंट तभी आते हैं जब दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो आपके माध्यम से ये बताना मैं चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी आने के बाद ही डॉक्टरों से जुड़ना है, आपको पहले से ही डॉक्टर से परामर्श लेते रहना है कि सर मुझे ये दिक्कतें हैं। अगर वो हाई रिस्क ग्रुप के पेशेंट हैं जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, एज मोर देन 45 ईयर है, उनको रेगुलर परामर्श लेते रहना है डॉक्टर से कि वो बीमारी उस स्टेज पे पहुंचे नहीं। और युवाओं को मैं खासतौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि वो स्मोकिंग, अल्कोहल और रेगुलर डाइट, ये स्मोकिंग अल्कोहल ये अवॉइड करें और डाइट वो रेगुलर लेते रहें और स्लीप भी प्रॉपर मात्रा में वो लें।